अभी नहीं दूर हुए शिवपाल की नाराजगी, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा नेताजी के फैसले का इंतजार। दिल्ली में मुलायम से मिलने के बाद शिवपाल के तेवर तीखे, कहा अखिलेश भले ही मुख्यमंत्री लेकिन मेरे बॉस मुलायम। मंत्रालय छिनने से नाराज शिवपाल, बोले मंत्री हूं और मंत्री रहूंगा, अखिलेश से मेरा कोई झगड़ा नहीं। आठ मंत्रालय छिने जाने पर शिवपाल ने मीडिया से कहा मुझे नहीं लगता नेताजी से पूछकर किया गया फैसला। शिवपाल ने अमर सिंह को लेकर भी तोड़ी चुप्पी, कहा उन्हें पार्टी में दोबारा लाने का फैसला नेताजी का। शिवपाल समर्थकों ने लखनऊ में की नारेबाजी, कहा चाचा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अमर सिंह पर रामगोपाल यादव का निशाना, बोले जो समाजवादी नहीं वो कैसे हो सकता है मुलायमवादी। आजम खान ने भी अमर सिंह पर बोला हमला, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, बाहरी होने पर क्यों दी सफाई। शिवपाल और अखिलेश के बीच विवाद खत्म करने लखनऊ पहुंचे मुलायम, बेटे से मिलकर करेंगे बात। समाजवादी पार्टी में झगड़े पर केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी, रैली के दौरान कहा परिवार के झगड़े में पिस रही जनता। शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की मांग, सीवान प्रशासन ने नीतीश सरकार को भेजी रिपोर्ट। सीवान प्रशासन ने रिपोर्ट में लिखा शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आते ही जनता में खौफ। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई जाएगी सीवान, पत्रकार की पत्नी ने की थी सीबीआई जांच की मांग। बिहार के समस्तीपुर में शहाबुद्दीन और बिहार सरकार के खिलाफ एनडीए का महाधरना, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शहाबुद्दीन के मामले पर पहली बार खुलकर सामने आए लालू, का गठबंधन को कोई खतरा नहीं, हमने नहीं अदालत ने दी है जमानत। दिल्ली में चिकनगुनिया से एक और मौत, अब तक 12 मरीजों की गई जान। दिल्ली के होलीफील्ड अस्पताल में डेंगू मरीजों की भारी भीड़, बेड ना होने की वजह से बैरंग लौटाए जा रहे हैं मरीज। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें, भीड़ को काबू में करने के लिए बाउंसर्स की तैनाती। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दौरा, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मरीजों की हर संभव मदद का निर्देश। डेंगू और चिकनगुनिया के दौर में खून बेचने के अवैध कारोबार पर आज तक की खबर का असर, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। डेंगू और चिकनगुनिया के मद्देनजर दिल्ली सरकार का सख्त कदम, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों में मारपीट, सुबह 3 बजे तक हड़ताल पर रहे डॉक्टर। पुरानी दिल्ली से इलाज के लिए आए नदीम और उसके भाई की डॉक्टर से हुई थी झड़प, डॉक्टर्स और गार्ड पर पीटने का आरोप। पुलिस ने आरएमएल पहुंचकर मरीज के भाई को हिरासत में लिया, डॉक्टर्स की कुछ घंटों के हड़ताल से इमरजेंसी में मरीजों को हुई परेशानी। उड़ीसा के कटक में डेंगू से 9 लोगों की मौत, अब तक 5183 मामले आ चुके हैं सामने। इलाहाबाद में किसान यात्रा के दौरान राहुल का पीएम पर हमला, बोले जनता के भरोसे से खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। यूपी सरकार पर भी राहुल का निशाना, कहा अखिलेश सरकार ने बढ़ाई बदहाली। रामगोपाल यादव का राहुल पर पलटवार, मीडिया से बोले जिनकी खटिया उठ गई हो उनके बारे में क्या कहें। बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गाजियाबाद के प्रोजेक्ट में देरी पर पार्श्वनाथ को 12 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश। यूपी के फरुखाबाद में पूर्व सैनिक ने गोली मारकर की बेटे की हत्या, पैसे मांगने पर जान ले ली। राजस्थान के झालावाड़ में पागल कुत्ते ने 5 बच्चों को किया घायल, 4 घंटे बाद डीएम के आदेश पर लगाया गया इंजेक्शन। राजस्थान के अलवर में 36 गाय के कंकाल मिले, करीब 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने दरोगा को पीटा, पशु तस्करी की खबर पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी पुलिस। यूपी के झांसी में चार लुटेरे गिरफ्तार, हाईवे पर करते थे वारदात। राजस्थान के भरतपुर में सूरजमल यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी का हंगामा, इम्तिहान में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के भरतपुर में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन, राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। राजस्थान के अलवर में 25 लाख की चोरी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, हजारों रुपए का सामान बरामद। मुंबई के कांदिवली में हीरानंदानी टावर में लगी आग, हादसे में लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के एटा में एजीएम कोर्ट में तैनात बाबू ने कोर्ट परिसर में लगाई फांसी, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बिहार के खगड़िया में मोस्ट वांटेड अपराधी अवध यादव समेत तीन बदमाश गिरफ्तार, 5 तमंचे और 34 कारतूस बरामद। बेंगलुरु में फर्जी बिल पास न करने पर मनरेगा के अफसर का हाथ काटा, दो युवकों पर हमले का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश से फिर आई बाढ़ की, कई इलाके जलमग्न। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक और सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में 3 फीट जलभराव। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के बाद डूबी सड़कें। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या, घर से हजारों रुपए का सामान गायब। दिल्ली की युवती से गोवा में गैंग रेप, 2 महीने बाद पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। यूपी के मेरठ में लूट का विरोध करने पर गोली मारकर दुकानदार की हत्या, एक और व्यापारी से भी 2.5 लाख रुपए लूटे। व्यापारी की हत्या के बाद स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा, विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में ही उलझे व्यापारी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला ने की सुरक्षा की मांग, विधायक पर धमकाने का आरोप लगाया। बिहार के वैशाली में पुलिस का अमानवीय चेहरा, तालाब से निकालकर घसीट कर ले गए लाश। पुलिस वालों ने लाश की गर्दन में रस्सी बांधकर घसीटा, कैमरे में कैद हुई घटना। बिहार के गोपालगंज में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार पर जेडीयू नेता का हमला, 3G सिम में 4G सेवाएं एक्टिवेट ना करने पर डंडों से पीटा। जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष सैफुद्दीन अंसारी पर है पीटने का आरोप, शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बरेली में 2 बीघा जमीन के लिए सगे भाई समेत 5 लोगों की हत्या, कश्मीर सिंह नाम का आरोपी गिरफ्तार। कावेरी विवाद को लेकर बेंगलुरु से कर्फ्यू हटा, लेकिन 25 सितंबर तक धारा 144 लागू। कर्नाटक के बिदाड़ी में कावेरी जल विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पानी छोड़ने पर सोसाइटी की दी धमकी। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शन, ट्रेन रोकने की कोशिश नाकाम। हैदराबाद के चंपापेट में करंट से 3 लोगों की मौत, रेड्डी कॉलोनी में हुआ हादसा। तमिलनाडु के विलुपुरम में डीएम के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या, धारदार हथियारों से 3 लोगों को किया घायल। गुड़गांव की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बुजुर्ग महिला की हत्या, हत्या के बाद लाखों की लूट। फरीदाबाद में रुपए मांगने पर बेटे ने किया मां का कत्ल, सिर पर डंडे से हमला करने की जान ली। दिल्ली के पंजाबी बाग में सरकारी स्कूल की महिला टीचर पर हमला, एक युवक और महिला ने हेलमेट और लात घूस से पीटा। बिहार के दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा का बेटा सच्चिदानंद गिरफ्तार, अवैध पिस्टल रखने का आरोप। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास बदमाशों ने आंख में मिर्च डालकर आईफोन का कंसाइनमेंट लूटा, लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार। बीकानेर में हांगकांग की लड़की ने भारतीय युवक से रचाई शादी, सोशल साइट पर हुई थी दोनों की दोस्ती।
मुंबई में लालबाग के राजा की धूम, विसर्जन के लिए जाते बप्पा पर जगह जगह फूलों की बारिश। भोपाल में इनकम टैक्स विभाग का छापा, कोल कंपनी अरिहंत का दफ्तर खंगाला। मथुरा के बरसाना में मटकी फोड़ने के दौरान मची भगदड़, मक्खन का प्रसाद लूटने के चक्कर में लोगों को लगी चोटें। राजस्थान के अलवर में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर सरकारी कर्मचारी की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या, जाकिर नाम के शख्स ने धारदार हथियार से जान ली। घाटी में कर्फ्यू का 68वां दिन, श्रीनगर में बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों से निपटने के लिए केंद्र का कड़ा कदम, लाइट आर्म्ड पर्सनल कैरियर होंगे तैनात। इस स्पेशल बख्तरबंद गाड़ी में बैठे जवानों को नहीं लगेगी कोई चोट, वाहन की कीमत 75 लाख रुपए। राजस्थान के पाली में कुएं पर आया 6 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने पकड़कर तालाब में छोड़ा। पटना में जेडीयू ने निकाली नशा मुक्ति यात्रा, सीएम नीतीश कुमार ने रवाना किया दल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खेल खेल में कुएं में गिरकर 6 साल के बच्चे की मौत, स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। पुणे में शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की विदाई, खूबसूरत झांकी के बीच झूमे भक्त। दिल्ली में भी धूमधाम से गणपति की विदाई, कश्मीरी गेट से यमुना के घाटों पर जुटी भारी भीड़। वियतनाम में एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीतने वाली महिला खिलाड़ियों का सम्मान, सिरसा के डिप्टी कमिश्नर ने निकाला रोड शो। जमशेदपुर में किन्नरों की विशेष पूजा, धूमधाम से अपने इष्ट देव की झांकी निकाली। दुनिया के सबसे महंगी टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को 8वां स्थान, फोर्ब्स ने जारी की लिस्ट। तुम मैं टू से बॉलीवुड में वापसी कर रही है नेहा शर्मा, कहा फिल्म में मिला टैलेंट दिखाने का मौका। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी सुल्तान और फैन, केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री एन इनसिग्निफिकेंट मैन का भी होगा प्रदर्शन। दलेर मेहंदी ने गाया आमिर खान की फिल्म दंगल का टाइटल ट्रैक, 23 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। ताइवान के इंगचुंग शहर में तूफान का कहर, तेज हवाओं से 5 लाख लोग प्रभावित। चीन के जिनजियांग प्रांत में भारी बारिश से बाढ़, गाड़ियों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। अमेरिका के एरिजोना में 3 पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद भी तस्वीरें। भारत के साथ परमाणु वार्ता को चीन ने बताया सकारात्मक, एनएसजी में भारत की एंट्री के लिहाज से अहम है ये बैठक। उत्तरी चीन के हवेई प्रांत में इंटरनेशनल पेट कार्निवल का आयोजन, एक से बढ़कर एक डॉगी ने लिया हिस्सा।